हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। जैसा कि बच्चों आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर आप सबके नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए मार्गदर्शन बैच शुरू किया गया है। इस बैच के अकॉर्डिंग बच्चों हम आपको हफ्ते में 2 दिन रीजनिंग, 2 दिन मैथ और 2 दिन हिंदी पढ़ा रहे हैं। इसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए हम आपको हिंदी पढ़ाने चल रहे हैं। हम अपने हिंदी के प्रत्येक वीडियो में बच्चों आपको 2 गद्यांश करवाते हैं, यानी हफ्ते में हम आपको 4 गद्यांश करवाते हैं और आपके नवोदय विद्यालय की परीक्षा में टोटल 4 गद्यांश पूछे जाते हैं। इन 4 गद्यांशों के लिए एक एक नंबर, 4 गद्यांशों में 5 क्वेश्चन होता है और 5ों के लिए एक एक नंबर, यानी टोटल हिंदी में आपका 20 नंबर आता है। अगर आप इसी तरह हमारे चैनल 2020 क्लासेस में बने रहते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके जो ये हिंदी के 20 नंबर हैं ये कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों कि रेगुलरली हमारे सभी वीडियो को देखना है बच्चों, साथ ही साथ एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जा करके आप 2020 क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट गद्यांश क्या कह रहा है आपका? आपका फर्स्ट गद्यांश कह रहा है, गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 1891 में हुआ था। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए। फिर वर्ष 1921 में उन्होंने प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। उन्हीं की प्रेरणा से आज़ादी की अलग जगाने वाली रचनाओं का सृजन और अनुवाद उन्होंने किया। विद्यार्थी के जीवन का ज़्यादातर समय जेलों में बीता। इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज सरकार को संतुष्टि नहीं मिली। वह इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी। कानपुर में वर्ष 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। इनकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। तो आपका ये जो गद्यांश है बच्चों, ये गणेश शंकर विद्यार्थी जो कि एक क्रांतिकारी और लेखक दोनों हैं उनके ऊपर बेस्ड है। आप गद्यांश को बच्चों एक या दो बार जरूर पढ़ा करिए। अगर आप गद्यांश को एक या दो बार पढ़ेंगे तो क्या कहते हैं, आपको जो आंसर होगा आपके क्वेश्चंस का वो आसानी से मिल जाएगा। तो आपको पता चल गया कि ये पैसेज आपका गणेश शंकर विद्यार्थी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ था? गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन ग्वालियर, सेकेंड ऑप्शन झांसी, थर्ड ऑप्शन भिंड, फोर्थ ऑप्शन मुरैना। तो देखिए गद्यांश के शुरुआत में ही आपसे बोला गया है कि गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 1891 में हुआ था। तो गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ था? गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों एकदम सही हो जाएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गणेश शंकर विद्यार्थी के साहित्यिक गुरु थे। गणेश शंकर विद्यार्थी के साहित्यिक गुरु थे, फर्स्ट ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, सेकेंड ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, थर्ड ऑप्शन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एंड फोर्थ ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। हमसे पूछा जा रहा है कि गणेश शंकर विद्यार्थी के साहित्यिक गुरु कौन थे। तो देखिए यहाँ पे गद्यांश में हमसे साफ साफ बोला गया है बच्चों, विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी के साहित्यिक गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बच्चों एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद्यार्थी के जीवन का ज़्यादातर समय बीता, विद्यार्थी के जीवन का ज़्यादातर समय बीता, फर्स्ट ऑप्शन स्कूल में, सेकेंड ऑप्शन दफ्तर में, थर्ड ऑप्शन घर में एंड फोर्थ ऑप्शन जेल में। हमसे पूछा जा रहा है कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी का ज़्यादातर समय कहाँ पे बीता बच्चों? तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी का ज़्यादातर समय जेल में बीता। कहाँ पे बीता? जेल में। अंग्रेज उन्हें बार बार उठा करके जेल में डाल देते थे, यानी उनका ज़्यादातर समय कहाँ बीता था? जेल में बीता था। आपका डी वाला ऑप्शन बच्चों एकदम सही हो जाएगा। चलिए इस गद्यांश के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, विद्यार्थी की मृत्यु पर किसने कहा, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती? विद्यार्थी की मौत पर किसने कहा कि काश ऐसी मौत मुझे मिली होती? फर्स्ट ऑप्शन महात्मा गांधी, सेकेंड ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन
महावीर प्रसाद द्विवेदी, फोर्थ ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमसे पूछा जा रहा है कि जब विद्यार्थी जी की मृत्यु हुई थी तो किसने कहा था कि काश ऐसी मौत मुझे मिली होती, तो आपका देखिए गद्यांश के लास्ट में बोला है कि इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी जी ने कहा था कि काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। तो विद्यार्थी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि काश ऐसी मौत मिले मुझे मिली होती, महात्मा गांधी जी ने। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों एकदम सही हो जाएगा। चलिए इस गद्यांश के लास्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों मुलाजिम का अर्थ है, मुलाजिम का अर्थ है फर्स्ट ऑप्शन अधिकारी, सेकंड ऑप्शन मालिक, थर्ड ऑप्शन नौकर, फोर्थ ऑप्शन विद्यार्थी। तो मुलाजिम का अर्थ क्या होता है बच्चों, मुलाजिम का अर्थ होता है नौकर। आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बच्चों आप गद्यांश को सॉल्व करने के साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट मुहावरा, पर्यायवाची, विलोम और वाक्यांश इसको भी याद करते हुए चलिए। जल्दी ही हम आपको अपने चैनल पर पर्यायवाची और मुहावरे के कुछ इम्पॉर्टेंट लिस्ट पढ़ाएंगे। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो आपकी परीक्षा में अधिकतर पूछे गए हैं, तो हम आपको अपने चैनल पर उनकी लिस्ट करवा देंगे। साथ ही साथ आप कुछ अलग से भी अगर कहेंगे तो हम कुछ अलग से भी करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट गद्यांश की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट गद्यांश देखिए क्या कह रहा है। एक गांव में अलगू चौधरी और जुम्मन शेख नामक दो मित्र रहते थे, दोनों की मित्रता गाढ़ी थी। जुम्मन शिक्षित था, अलगू धनवान। जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी विधवा थी, वह निसंतान थी पर थी मिल्कियत वाली। उसने चारों ओर आंख उठाकर देखा, जुम्मन के सिवा उसका कोई अपना नजर ना आया। मौसी ने जुम्मन के नाम अपनी मिल्कियत रजिस्ट्री कर दी। जुम्मन ने वादा किया कि वह आजीवन मौसी को खाना कपड़ा देगा, पर रजिस्ट्री होते ही जुम्मन ने रंग बदला। वह मौसी जो पहले सर पर बैठी थी अब पैरों तले कुचली जाने लगी। बूढ़ी मौसी ने समझा कि वह सब जुम्मन की पत्नी की बदमाशी है। उसने जुम्मन से शिकायत की, जुम्मन चुप रहा। तो ये आपका गद्यांश है जो दो मित्रों के बारे में है, जो कि अलगू और क्या कहते हैं जुम्मन जी के बारे में है, जुम्मन शेख के बारे में है। इनकी एक मौसी रहती थी। तो आप इसको गद्यांश को अच्छे से पढ़िए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गद्यांश से रिलेटेड, किसकी मौसी विधवा थी। फर्स्ट ऑप्शन अलगू चौधरी की, सेकंड ऑप्शन जुम्मन शेख की, थर्ड ऑप्शन अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों की, फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हमसे बोला गया है किसकी मौसी विधवा थी, तो यहाँ पे देखिए गद्यांश में साफ साफ बोला गया है जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी विधवा थी। तो किसकी बूढ़ी मौसी विधवा थी, जुम्मन की। तो आपका यहाँ पे बच्चों बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौसी ने अपनी मिल्कियत किसके नाम रजिस्ट्री कर दी। फर्स्ट ऑप्शन जुम्मन शेख के, सेकेंड ऑप्शन अपनी पुत्री के, थर्ड ऑप्शन अलगू चौधरी के, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मौसी ने अपनी मिल्कियत किसके नाम रजिस्ट्री कर दी बच्चों, मौसी ने अपनी मिल्कियत जुम्मन शेख के नाम रजिस्ट्री कर दी, यानी आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आजीवन शब्द का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन जीवन भर, सेकंड ऑप्शन जीवन, थर्ड ऑप्शन कुछ उम्र तक, फोर्थ ऑप्शन आधा जीवन। तो आजीवन शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, आजीवन शब्द का अर्थ हो जाएगा जीवन भर। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जुम्मन ने मौसी से क्या वादा किया। फर्स्ट ऑप्शन वह जीवन भर मौसी को धन देगा, सेकंड ऑप्शन वह मौसी की खेतों की रखवाली करेगा, थर्ड ऑप्शन वह जीवन मौसी को खाना कपड़ा देगा, फोर्थ ऑप्शन वह मौसी की जायदाद में से कुछ नहीं लेगा। तो जुम्मन ने मौसी से क्या वादा किया था, वह आजीवन मौसी को खाना कपड़ा देगा, यानी आपका थर्ड वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। जुम्मन ने मौसी से वादा किया कि वह आजीवन मौसी को खाना कपड़ा देगा। चलिए इस गद्यांश के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है
शिक्षित का विलोम शब्द होगा, शिक्षित का विलोम शब्द होगा। फर्स्ट ऑप्शन अशिक्षित, सेकंड ऑप्शन अनपढ़, थर्ड ऑप्शन अपढ़, फोर्थ ऑप्शन अशिक्षित। ये अशिक्षा है और ये क्या है? अशिक्षित। तो शिक्षित का विलोम क्या हो जाएगा? शिक्षित का विलोम हो जाएगा अशिक्षित। आपका फोर्थ वाला ऑप्शन बच्चों एकदम सही हो जाएगा। तो आज के ये दोनों गद्यांश बच्चों यहीं पे समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको जो भी दोनों गद्यांश करवाए हैं वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जा कर के 2020 क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।